नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। मैं पिछले 28 साल से अशोक गहलोत, जो इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनको जानता हूं। लेकिन जितनी तल्ख भाषा का जिस आक्रामक अंदाज में उन्होंने इस्तेमाल किया सचिन पायलट के खिलाफ, जो अभी तक कांग्रेस के सदस्य हैं, वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। वो बताता है कि अशोक गहलोत के मन में सचिन पायलट को लेकर कितना गुस्सा है। दूसरी बात, वो उससे ये पता लगती है कि अशोक गहलोत बहुमत का दावा तो कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। अब उन्होंने सचिन पायलट को कहा कि मैं शुरू से जानता हूँ कि पायलट निकम्मा है, नकारा है, धोखेबाज है, पार्टी को गिराने में लगा हुआ है, कुछ काम नहीं करता है। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अशोक गहलोत ने ऐसा क्यों कहा, पहले उनका बयान दे। एक छोटी खबर नहीं पड़ी होगी किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बन आया हूँ। तय कर लो, तुम कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे, मैं कैसे विश्वास तुम्हारे पर करूं? तो आपने देखा कि अशोक गहलोत निकम्मा और नकारा सचिन पायलट को बता रहे हैं। अब बड़ा सवाल उठता है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि आखिर अशोक गहलोत की ये हताशा निराशा का प्रतीक है या चूंकि उन्होंने बहुमत जुटा लिया है तो उनके दम का प्रतीक, चाहे कि दोनों में से किसी भी चीज का प्रतीक हो, ये अशोक गहलोत के स्वभाव में नहीं है किसी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना। सचिन पायलट ने कहा है कि उनकी छवि को गिराने की कोशिश हो रही है। बड़ा सवाल उठता है कि अशोक गहलोत का बयान अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। कोई नकारा और निकम्मा आदमी भला किसी की सरकार को, वो भी अपनी ही पार्टी की सरकार को, गिराने का काम कैसे कर सकता है? अगर सचिन पायलट इतने नकारा और निकम्मे हैं, तो फिर वो अशोक गहलोत की सरकार को गिराने का काम कैसे कर सकते हैं? या फिर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अशोक गहलोत कहीं ये तो कहने की कोशिश नहीं कर रहे कि सचिन पायलट इस कदर नकारा और निकम्मे हैं कि पिछले कई महीनों से उनकी सरकार गिराने में लगे हुए हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे। अब सचिन पायलट ने तो इतनी सी सधी हुई प्रतिक्रिया दी है कि छवि गिराने की कोशिश हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि सचिन पायलट के पास एक बहुत बड़ा मौका है इस बयान को उठाने का, इस बयान के आधार पर अपने राजनीतिक भविष्य को तय करने का। सब कुछ अभी बहुत हो सकता है, जल्दबाजी में मैं कह रहा हूँ, अभी राजनीति में संभावनाएँ बहुत रहती हैं, लेकिन अगर सचिन पायलट के पास सरकार गिराने लायक विधायक नहीं है, अगर सचिन पायलट को लगता है कि सरकार गिराने लायक विधायक वो आगे भी नहीं जुटा पाएंगे, अगर सचिन पायलट को लगता है कि अगर वो BJP में चले जाते हैं तो वहाँ भी उनकी कोई इज्जत नहीं होने वाली है, BJP उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली है, अगर सचिन पायलट को लगता है कि अगर वो विधायक जुटाने में कामयाब नहीं रहते हैं तो BJP भी उन्हें पूछने वाली नहीं है और BJP में उनकी कोई पूछ भी नहीं होने वाली है, तो ऐसे में इस बयान को आधार बनाकर सचिन पायलट को, मुझे लगता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, तत्काल प्रभाव से अशोक गहलोत की कांग्रेस से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा सीधा का सीधा सोनिया गांधी को भेज देना चाहिए, कार्यकारी अध्यक्ष को, कि मैडम अगर आपको लगता है कि मैं नकारा और निकम्मा हूँ तो मुझे पार्टी से निकाल दिया जाए। मैडम अगर आपको लगता है कि आप ही के समय में मनमोहन सिंह जी ने मुझ जैसे एक नकारा और निकम्मे को मंत्री बनाकर गलत काम किया तो आप अशोक गहलोत के बयान का समर्थन कर दें। इसके बाद मुझे लगता है सचिन पायलट को थर्ड फ्रंट की संभावना टटोलनी चाहिए, जनता के बीच निकल लेना चाहिए, बड़े बड़े पोस्टर पूरे प्रदेश भर में छपवाने चाहिए जिस पर सिर्फ ये लिखा हो कि क्या मैं नकारा और निकम्मा हूँ, क्या मैं नकारा और निकम्मा हूँ, और इस पोस्टर के आधार पर एक सहानुभूति ले सकते हैं, एक वो अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। गुर्जर मीणा पूर्वी राजस्थान में जैसे वो मिलन समारोह करते रहे और जिसके आधार पर ठीक ठाक सीटें कांग्रेस को अच्छी खासी मिली, वैसे आपको बताएं कि गुर्जर और मीणा की कुल मिलाकर करीब 49 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से 42 सीटें
इस बार कांग्रेस के हाथ लगी हैं। अगर इतना बड़ा धड़ा भी उनके पास आ जाता है तो वो किंग मेकर की भूमिका में तो कम से कम आ जाएंगे। अगर सचिन पायलट को एक बड़ा राजनीतिक फैसला करना है तो मेरी नज़र में एक बड़ी संभावना अशोक गहलोत ने उन्हें सौंप दी है, उस संभावना को का इस्तेमाल अपने हिसाब से सचिन पायलट को करना है। अब वो इतना करने का मादा उठा पाएंगे, इतना करने का मादा उनमें है, या वो वाकई में नकारा और निकम्मे हैं, ये सचिन पायलट को अब तय करना है। ABP News आपको रखे आगे।